नमस्कार इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन पांडे। आज लखनऊ में एक बहुत बड़ी खबर चर्चा का विषय रही। चर्चा का विषय ये खबर रही कि एक सलीम नाम के आदमी जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया और वो बन गए राजवीर, उनकी पत्नी जिनका नाम था पहले सामिया वो बन गई पूनम। दरअसल कहानी वहां से शुरू होती है, 14 साल पहले की ये कहानी है। 14 साल पहले सलीम का निकाह हुआ था और दरअसल उस वक्त पूनम हिंदू थी। उस वक्त इन लोगों ने निकाह किया, इन लोगों ने शादी की। शादी के बाद से लगातार इनके परिवार वाले इन पे जुल्म करते रहे, इन पे ज्यादती करते रहे, इनको धमकियां देते रहे और इसका नतीजा ये हुआ कि सलीम उर्फ राजवीर ने आज बाकायदा कुछ दिन पहले हिंदू धर्म कबूल किया। हिंदू धर्म बाकायदा स्थापित रूप से हवन के जरिए, यज्ञ के जरिए और तमाम अनुष्ठानों के जरिए हिंदू धर्म में पुनर्वापसी की, यानी कि सलीम अब हो गए राजवीर और सामिया हो गई पूनम। गेस्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन मेहमानों का परिचय कराने से पहले आपको इसके पीछे की पृष्ठभूमि बता दें। पृष्ठभूमि यही है कि 14 साल पहले का ये कहानी है, 14 साल बाद आज उनको धमकियां मिल रही हैं, आज पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, आज पूरे परिवार को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है इनके रिश्तेदारों के जरिए। इनकी दो बेटियां हैं उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय करा दें। सामिया उर्फ पूनम जो कि सलीम की पत्नी है वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा सलीम उर्फ राजवीर जो कि राजवीर बन चुके हैं आज की तारीख में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है जो कि पूनम के पति हैं। इनके अलावा शिशिर चतुर्वेदी जो कि प्रवक्ता हिंदू महासभा के हैं, इनकी बहुत अहम भूमिका रही है इन लोगों के कन्वर्जन में और इन लोगों को हिंदू धर्म की मुख्य धारा में लाने में, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है शिशिर जी। और इनके अलावा हाजी हसन अहमद जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं वो अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले सलीम से जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी कहानी है क्या। इसलिए कि सलीम का एक बयान आया था, ये बयान बहुत विस्फोटक बयान है और बहुत इंपॉर्टेंट बयान है और इनफैक्ट पूरी डिबेट आज की हमारी इसी बयान के इर्द गिर्द घूमती है। सलीम का यह कहना है कि हिंदू लड़कियों सावधान हो जाओ, इसलिए कि मुस्लिम लड़के लव जिहाद पर आमादा हैं। सलीम से ही पूछते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। सलीम बोलिए, अपनी कहानी बताइए और ये बताइए कि आखिर आपको क्यों लगता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं और लव जिहाद कर रहे हैं, क्यों लगता है आपको? देखिए सर, ऐसा है ना, जैसे मैंने आज 14 साल हो गया, मैंने एक हिंदू लड़की से शादी किया था, शादी करके मैं उसको अपने घर ले गया, वो तो मेरे घर वालों के लिए बहू थी, बेटी थी। और मेरे धर्म में ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आप किसी हिंदू लड़की से, मतलब किसी गैर धर्म की किसी भी लड़की को अगर इस्लाम में वो आती है जी, तो उसकी बहुत इज्जत होनी चाहिए, उसको जो है उसका दर्जा बहुत ऊपर माना जाएगा, उसको बेटी की तरह रखा जाएगा, उसको रानी की तरह रखा जाएगा घर में। लेकिन मेरे घर में कभी भी मेरी पत्नी को कोई इज्जत नहीं मिली, उसको हमेशा प्रताड़ित किया गया, तरह तरह की चीज़ें हैं। और ये लगातार सलीम, आपकी भी बेटियां हैं, आपकी भी बेटियां हैं, आपको 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 क्यों लगता है ये कि कहीं ना कहीं लव जिहाद से सावधान रहने की जरूरत है हिंदू लड़कियों को? सर ऐसा बयान आया था बिल्कुल ना। देखिए, मैंने जो ये अपना धर्मांतरण कराया है ना, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मेरी एक बच्ची है जी, और मैंने अपनी पत्नी का देख लिया कि क्या उसके साथ 14 साल से हो रहा है। हो सकता है मेरी बेटी भी कल को बड़ी होगी, उसकी भी शादी मुस्लिम समाज में ही मुझे करनी पड़ती, वहाँ भी उसको वही सब प्रताड़ना मिलती रहती। तो इन सब चीज़ों को देख के और हिंदू समाज में जो सुंदरता मुझे दिखी, जो परिवार में एकजुटता दिखी, एक दूसरे के लिए प्यार दिखा, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैं हृदय से हिंदू समाज में आ गया कि कम से कम मैं रहूँ न रहूँ, मेरी बेटी मेरी पत्नी तो सुरक्षित रहेगी। सलीम, आपके साहस का हम बहुत सम्मान करते हैं, यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि आपका एक तरह से पूरे मुस्लिम समाज को और जो जो धर्मगुरु हैं उनको संदेश है, और एक तरह से जो लव जिहाद करते हैं उनको एक तरह से संदेश है आपका खुले तौर पर
कि हिंदू लड़कियां सावधान हो जाओ लव जिहाद से, आपका ये कहना है इसका मतलब? देखिए, मैंने तो अपने घर का एक्सपीरियंस देखा है ना, और मतलब कि मैं तो पूरे समाज या किसी भी धर्म के लिए नहीं बोलूंगा ऐसा, लेकिन मेरे घर में और मतलब मेरे साथ मैंने और भी दो चार एक्सपीरियंस देखे कि अगर हिंदू लड़की मुस्लिम घर में जा रही है तो फिर वो जब तक उनके अनुसार सारे काम ना कर दे, मतलब कि गोमांस ना खा ले और गोमांस पका के ना दे, बाकी बुरखे में। चलिए चलिए सलीम, सलीम हमारे साथ एक और मेहमान जोड़ने वाले हैं जो कि बहुत अहम मेहमान है, हाजी हसन अहमद, उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको पूरी कहानी बता दें, सामिया उर्फ पूनम जो कि सलीम की पत्नी है, सलीम उर्फ राजवीर, इनका 14 साल पहले इनकी शादी हुई थी। 14 साल के दरमियान इनको समाज से, इनको अपने रिश्तेदारों से, अपने घर परिवार से हमेशा प्रताड़ना मिली। और हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जो कि प्रवक्ता हिंदू महासभा के हैं, इनके सौजन्य से और इनकी बदौलत और तमाम लोगों की बदौलत ये आज की तारीख में हिंदू मुख्य धारा में वापस आए हैं। और ये राजवीर बन गए हैं सलीम, और सामिया फिर से पूनम बन गई हैं जो कि पहले भी हिंदू थी। अब सवाल यही है कि इनकी भी बेटी है, इनका ये कहना है कि कल की तारीख में हमारी बेटी भी बड़ी होगी, तो जो प्रताड़ना, जो धमकियां, जो जलालत जो झेलनी पड़ी है इनकी वाइफ को, कहीं हमारी बेटी को भी ना झेलना पड़े, इसलिए इन्होंने हिंदू धर्म अपनाया है। और साथ ही साथ इनका ये कहना है कि हिंदू लड़कियों सावधान हो जाओ, इसलिए कि कहीं ना कहीं लव जिहादी सक्रिय हैं और वो इरादतन लव जिहाद में फंसा के धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हाजी हसन अहमद जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाजी हसन अहमद साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, पूरी कहानी आपने सुन ली होगी, आपसे रिएक्शन लेंगे। उससे पहले सलीम की पत्नी जो कि पूनम है, उनसे एक रिएक्शन लेते हैं। पूनम, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा पूरा? सर देखिए, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, मुझे लगा शुरू से ही, मैंने जब शादी की तो जबरन मुझे इस्लाम, मतलब इस्लाम में ये मानना है कि आप पूनम सिंह रह करके मैं इनसे शादी के रिश्ते में रह ही नहीं सकती थी। मेरा इस्लाम में आना जरूरी है, मैं अपने नाम अपनी आइडेंटिटी से जी ही नहीं सकती इनके साथ। मतलब इस्लाम मुझे जबरन, मुझे सामिया सिद्दीकी बनाया गया जबरन, मुझसे पेपर पे साइन कराए गए जबरन, मुझसे सारी चीज़ें हुई, उसके बाद यहाँ भी बात नहीं थमी। मेरे ससुर जो कि फादर इन लॉ हैं, उन्होंने, उनकी तो निगाहें इतनी ख़राब थी, उन्होंने वोटर आईडी कार्ड में मेरे पति की जगह उन्होंने अपना नाम डलाया है, पति की जगह। चलिए, कुल मिलाजुला के आपको आपको बहुत प्रताड़ना सहनी पड़ी जी। शिशिर चतुर्वेदी इसमें मुख्य एक सूत्रधार रहे हैं। शिशिर जी, आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। और सीधा सीधा हमारा सवाल यही है कि लव जिहादी जो भी हैं, आखिर ये कौन लोग हैं और कैसी मानसिकता है इनकी? देखिए, सलीम हैदर जी जो है बहुत एक नेक दिल इंसान है। इन्होंने जब एक लड़की जो हिंदू धर्म से जब मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हुई, तो इनके मन में जो मैंने वार्ता के द्वारा पता चला कि मतलब इन्होंने सोचा कि दूसरे धर्म को छोड़ के ये हमारे धर्म में आई है, इसका सम्मान से जीने का हक इसको मिलना चाहिए। लेकिन इनके परिजनों ने क्या किया इनके साथ? नहीं, परिजनों ने जो किया वो एक सेकंड मुझे पूरी बात समाप्त तक जाने दे रही है, दो सेकंड। तो इनको जबरन गाय का मांस खिलाया गया, इनसे जबरन गाय का मांस बकवाया गया, इनके इनके ससुर ने पति की जगह इनका अपना नाम लिखा दिया, उसके बाद इनके जेठ और ससुर लगातार बलात्कार का चलिए आपसे पूरी बात आपको इंटरप्ट करता हूं आपको इंटरप्ट करता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आपको क्यों लगता है कि आखिर सलीम को क्यों लगता है, पूनम को क्यों लगता है, राजवीर को क्यों लगता है कि लव जिहादियों से सतर्क रहने की जरूरत है हिंदू लड़कियों को? पूरी बात बता रहा हूं। उसके बाद सलीम जी को जब इन्होंने ये बात बताई, तब ये जो है इन्होंने उसका विरोध किया, और जब उस विरोध को उन्होंने नहीं सुना, एक कैबिनेट उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे हैं इस वक्त नंद किशोर नंदी जी और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के नाम लेकर के बकायदा उनके नाम का सिम कार्ड यूज किया जा रहा है, और उस कार्ड के फोन से धमकी दी जा रही है करोड़ों। चलिए, इनको धमकी दी जा रही है। हाजी हसन अहमद साहब, इंपॉर्टेंट बात, ये परिवार बिहार से आके यहाँ लखनऊ बसता है और बिना आईडी की वहां बिहार की लाइसेंस उसको मिल जाते हैं, और 100 गाड़ियां 80 गाड़ियां अकूत दौलत इस परिवार ने यहाँ चंद सालों में इकट्ठा कर ली, और हाजी हसन और इनका भी परिवर्तन हो गया। हाजी हसन अहमद साहब, हाजी हसन अहमद साहब, आखिर सलीम को जो कि आज की तारीख में राजवीर हो गए हैं, ये कहने की नौबत क्यों आ रही है कि हिंदू लड़कियों सावधान हो जाओ मुस्लिम जिहादियों से, और खास तौर से जो लव जिहाद कर रहे हैं उनसे?
देखिए इसका ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस को इसको फौरन संज्ञान लेना चाहिए और सलीम अहमद को अरेस्ट करना चाहिए कि इन्हीं ने 14 साल पहले जो अपराध नहीं किया। क्यों इनको इनको क्यों अरेस्ट करना चाहिए? इनको क्यों अरेस्ट करना चाहिए? नहीं था लव जिहाद क्या होता है? क्यों अरेस्ट करना चाहिए? आप लव जिहाद करते रहेंगे। एक मिनट हाजी हसन अहमद साहब, एक मिनट हाजी हसन अहमद साहब आपको पता है कई सरकारों ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया है। आपको यह भी पता है कि किस तरह से केरल में रिटायर्ड जस्टिस ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी, सुनिए मेरी बात पूरी सुनिए, केरल में रिटायर्ड जस्टिस ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी जिसमें धर्मांतरण का और लव जिहाद का साफ तौर से जिक्र था और साथ ही साथ हिंदू एक समिति थी उसने करीब 30,000 लड़कियों के सुन लीजिए सलीम के प्रकरण पे लौटिए, वार्ता हो रही है सलीम के प्रकरण पे। नहीं तो सलीम के प्रकरण पे सलीम को गिरफ्तार क्यों होना चाहिए? सलीम को गिरफ्तार क्यों होना चाहिए? सलीम को एक मिनट हाजी हसन अहमद ये चर्चा अगर स्वस्थ चर्चा करनी है, नहीं तो आप धर्म के ठेकेदार हैं कि आप इनको अरेस्ट कराएंगे? आप ठेकेदार हैं, वो ठेका आपने ले रखा। नहीं नहीं तो आप ठेकेदार हैं, आप क्यों अरेस्ट कराएंगे? इनका गुनाह क्या है बताइए? अरे भाई उसको गोमांस पकवाया गया, उससे खिलाया गया, इनके साथ कैसे वो बताए? एक बात बताइए इस चर्चा में। ठीक है हाजी हसन अहमद साहब सुनिए हाजी हसन अहमद साहब सुनिए आप ही की बात पे आता हूँ। आपने कहा आपकी बात पे आता हूँ। आपका ये कहना है कि इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए कि गोमांस आया कहां से? एक बात बताइए एक मिनट आपकी बात से सहमत हूँ, आपकी बात से सुनिए हाजी हसन अहमद आपकी बात से एग्री, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, सुनिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, एक मिनट हमारा सवाल हाजी हसन से, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, डेली खबरें आती हैं गोमांस के कटे हुए अवशेष बरामद हुए, कौन काटता है, कहां से आती हैं गोमांस, गोकशी कौन कर रहा है? कहां हो रही है गोकशी? क्या बात करते हैं? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं? क्या बात करते हैं? या तो पूरी मीडिया झूठ बोल रही है या आप झूठ बोल रहे हैं? गोकशी नहीं हो रही उत्तर प्रदेश में। आप कहना क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में गोकशी नहीं हो रही है कहीं? बिल्कुल नहीं हो रही है। कैसे आप कह सकते हैं? डेली खबरें आती हैं, डेली बवाल होता है उस पे। हमें योगी आदित्यनाथ जी पे भरोसा है जो एक सच्चे को रक्षा करे। हाँ सुनिए, हो सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी, एक मिनट योगी आदित्यनाथ जी ने जो इलीगल स्लॉटर हाउसेस थे सबको बंद किया और उनकी बहुत बेहतरीन तरीके से सरकार चल रही है, लेकिन हमारा सवाल यही है ये गोकशी कौन कर रहा है? चलिए मुद्दे पे वापस आते हैं। एक बात बताइए, कोर्ट ने भी कहा है कि अगर इरादतन, अगर छल प्रपंच से अगर किसी तरह की शादी कराई जाती है दो धर्मों के बीच में तो उसको अमान्य घोषित किया जाएगा। इस तरह के अध्यादेश भी कई राज्यों की सरकारों ने लाए हैं। एक बात बताइए, आपने देखा होगा डेली खबरें आती हैं कि आमिर नाम का लड़का, पता चले कि अनिल बनके छल प्रपंच से शादी कर रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये लव जिहाद नहीं है तो क्या है? लव जिहाद हो क्यों रहा है हसन साहब बताइए? सलीम की वाइफ के आधार आईडी पे उनके पिता का नाम है और उसकी मौत सहमति है, तो ये क्या है? क्या ये लव जिहाद नहीं है? इनको अपनी गलती का एहसास हुआ तभी तो आए। तो अब आपको मिर्ची क्यों लग रही है? हमें क्यों मिर्ची लग रही है? हमें बात ये
कि शिशिर चतुर्वेदी जी जो हिंदू महासभा से आते हो कह रहे गोमांस पकवाया गया खिलाया गया जबरन, यानी गोहत्या आज भी हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, शिशिर चतुर्वेदी पूछे कि कहां कहां गोहत्या उनके संरक्षण में हो रही है और उनके ऊपर कार्रवाई करे। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हाजी हसन अहमद साहब कौन कर रहा है? कौन कर रहा है बताइए? हिंदू कर रहा है कि मुसलमान कर रहा है कि सिख कर रहा है कि ईसाई कर रहा है? आप बताइए ना, आपको आपको ज्यादा जानकारी आप बताइए। चलिए चलिए शिशिर चतुर्वेदी ये बताइए कि ये लव जिहादी आखिर है कौन? ये है कौन लव जिहादी? देखिए पहले मैं हाजी हसन जी की बात के जवाब दे दूं, इन्होंने ध्यान से सुना नहीं। हमने ये कहा गाय का मांस पकवाया गया, इनको जबरन खिलाने का प्रयास किया गया, वो किसने किया? जेठ ने किया, ससुर ने किया, उन पे FIR दर्ज हुई और ये भागे हुए। हाजी जी वो भागे हुए थे। अरे अभी दो दिन पहले लड़की को दिल्ली में गोली मार दी गई, सर क्या बात कर रहे हैं? एक बात बताइए हाजी हसन साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं सलीम के प्रकरण पे आइए चर्चा। सलीम के प्रकरण पे बात हो रही है, नहीं लव जिहाद पे बात हो रही है। लव जिहाद पे बात होगी राजवीर, नहीं लव जिहाद पे बात होगी, लव जिहाद पे बात होगी, इसलिए बात होगी के साथ लव जिहाद पे बात होगी, नहीं मिलना चाहिए उस मालिक। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए विद ड्यू रिस्पेक्ट हाजी हसन अहमद साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट एक बात बताइए, एक कम्युनिटी की महिलाएं 7 तालों में बंद रहे और दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ लोग लव जिहाद करें, ये कहां की बात है और क्यों हो रहा है ये? नहीं किस कम्युनिटी की महिलाएं 7 तालों में बंद रहे हो, किसके क्यों? साथ क्यों? सब भारत की बेटी है, सबको पता है, सबको पता है लव जिहाद कहां हो रहा है, सबको पता है लव जिहाद कौन कर रहा है, सबको पता है। जब पता है तो कार्रवाई कीजिए, अरेस्ट करवाइए। कार्रवाई हो रही है ना, तो कानून बनता है, कानून बनता है तो क्यों दर्द होता है आप लोगों को? तीन राज्यों में कानून बनाया, हम तो डिमांड कर रहे हैं कि अरेस्ट कीजिए, दर्द तो हमें तो लग नहीं रहा, किसी को हो रहा है, आप तो जबरदस्ती का मुद्दा बना रहे हैं, दर्द कैसे हो रहा है? जो है हम तो कह रहे कार्रवाई कीजिए, हमारी बहन बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए, ना कि राजनीति होनी चाहिए, चंद लोगों की जेबें भरनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, इस्लाम खतरे पे, शिक्षा पे, लखनऊ पे। मुझे मैं एक चीज मैं एक सुनिए, हाजी हसन अहमद साहब हिंदू महासभा के अध्यक्ष ये बात कर रहे हैं, मुझे तो हैरत इस बात पे हो रही है, 14 साल की लड़कियों का निकाह कराते हर जगह इसका इस्लाम खतरे में रहता है, आपकी नजर में आता होगा, गणपति पूजा करने में इस्लाम खतरे में आ गया, हर वक्त इस्लाम खतरे में रहता है, इनमें धर्मांध और अंधश्रद्धा का क्या मतलब है? कहाँ घूम रहे शिशिर चतुर्वेदी जी? नहीं सलीम का मतलब है, सलीम का मतलब क्या है मैं बताता हूँ, एक मिनट सलीम का मतलब क्या है मैं बताता हूँ, सलीम का मतलब है आपको कोई मतलब नहीं है, सुनिए हाजी हसन अहमद जी सलीम से मतलब क्यों है और वो सलीम अपने मुंह से बोलेंगे। सलीम का ये कहना था कि हिंदू लड़कियों सावधान हो जाओ लव जिहाद से, जो मुस्लिम लव जिहादी घूम रहे हैं उनसे सावधान हो जाओ, ये सलीम का कहना है। तो सलीम का मतलब है तो और मैं आपको कुछ फैक्चुअल चीजें बता दूं, आपको बता रहा हूं। अक्टूबर 2009 में केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने दावा किया था कि लगभग 4500 लड़कियों को लव जिहाद का निशाना बनाया गया था और हिंदू जनजागृति समिति का आरोप था कि अकेले कर्नाटक में 30,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया था। इसके अलावा मैं एक और फैक्ट बता दूं आपको, केरल के रिटायर्ड जस्टिस KT शंकरन ने माना था कि केरल और मंगलोर में जबरन धर्म परिवर्तन के संकेत मिले थे और उसी के बाद से कानूनी प्रावधान की बात चली थी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में, जिस तरह से उत्तराखंड में और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जब ये चीजें लागू करने की बात होती है, जब 3 तलाक के खिलाफ एक्शन की बात होती है तब मिर्ची लगने लगती है सबको। किसको मिर्ची लगती? नहीं मेरा कहना है सलीम से मतलब है ना, सलीम का ये कहना है, सलीम ने अगर ये वक्तव्य दिया है, ये कहा है कि लव जिहादियों सावधान हो जाओ, तो सलीम से ही पूछे कि उसके कितने साथी ऐसे घूम रहे हैं, कितने भाई उसके हैं जो लव जिहाद में इन्वॉल्व है, उनका चलिए जब लव जिहाद पे बात होगी तो बोलने नहीं देंगे, कहीं पर्दे के पीछे सलीम से सुनते आखिर हिंदू महासभा को क्यों लगती है? सलीम से सुनते
सुनील दत्त और नरगिस में सुनील दत्त नरगिस की बात छोड़िए, सुनिए सलीम से सुनते हैं। सलीम आप बताइए, किस तरह लव जिहादी सक्रिय हैं, आप ही के मुंह से सुनते हैं। मैं रमन सर अभी सिर्फ ये मास के प्रक्रिया पे आपको एक चीज बता रहा हूँ। मैं 2013 से अपने घर से निकल आया था, ठीक है। उसके बाद से जितने भी बकरीद के त्यौहार आए हैं, आप चाहे मेरे सर्कल में पूछ लीजिए, मेरी पत्नी बैठी है, या जहां मैं रहा हूं, 2013 से हमारे बकरीद में ये होता है कि भाई जानवर की कुर्बानी नहीं। उसके लिए आप मेन मुद्दे पे आइए, आपसे ये बात आपसे ये बात सुनूंगा जरूर मैं, लेकिन ये बताइए आप इनका ये कहना है कि इसका सलीम के प्रकरण से क्या मतलब है? आपका ये बयान है, आपका ये बयान है कि हिंदू लड़कियां जिहादी और सावधान रहे, आप बताइए ना इनको, बताइए कि क्यों सावधान रहना चाहिए। लड़की ये सोच के आएगी इस्लाम धर्म में कि वहां मुझे इज्जत मिलेगी, वहां मैं बहू बनूंगी, और उसका हाल अगर मेरी पत्नी की तरह होगा कि 14 साल तक उसके साथ ऐसा अत्याचार किया जाएगा, तो ये क्या है? लव जिहादी तो हुआ ना ये? हसन अहमद, मैंने नहीं सोचा था कि मेरे घर में ऐसा होगा। जिहादी है तब आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था, सलीम साहब खुद कह रहे हैं ये खुद कबूल कर रहे हैं कि लव जिहाद था, कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? वो चीज मैं नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल ही कह रहा हूं, ये लव जिहाद ही था, 14 साल तक करना सही है, ये हमारी बहन पूर्ण नहीं है, ये घर वाले प्रदान कराते हैं, 14 साल तक करना सही है, किसी भी वजह से सही हो, लेकिन ये लव जिहाद था सलीम साहब अपनी जबान से। मतलब आप मान रहे हैं कि लव जिहाद हो रहा है? आप ये मान रहे हैं हसन साहब की लव जिहाद हो रहा है? क्यों हो रहा है भाई? सलीम साहब ने बताया ना कि इनके घर वाले किस तरह से लव जिहाद था, और अगर मेरे घर वालों की वजह से ये लव जिहाद हुआ, मेरी तरफ से नहीं हुआ, मैं तो उसके साथ मंदिर जा रहा हूँ शादी के बाद से, उसको मंदिर ले जा रहा हूँ, कोई रोक नहीं सकता, उसको हर जगह में ले जा रहा हूँ, मैंने उसके धर्म पे कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया, कहीं भी जाइए, ये तो मौलाना साहब, जो मुस्लिम समाज है उसकी कुरूतियों की वजह से ये हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि लव जिहाद हो रहा है। ये घर की नहीं, मुझे एक चीज बताइए, लेकिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले तो आप ये क्लियर कर दीजिए, घर की मेंटेलिटी है। देखिए इसका उत्तर मैं दे रहा हूँ, आप क्यों देंगे? सलीम साहब से बात हो रही है तो आप कौन होते हैं बीच में उत्तर देने वाले? सलीम साहब इसका उत्तर देंगे। सलीम का हिंदू महासभा से क्या मतलब है? आप सलीम को साथ कैसे रख सकते हैं? नहीं, मुझे एक बात बताइए, अगर ये हिंदू धर्म में आए हैं तो शिशिर चतुर्वेदी अगर इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो ये इनकी बात का जवाब नहीं देंगे, तो नहीं। क्या इनके रिश्तेदार देंगे जो इनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? जो जुल्म इनके ऊपर हुआ उसका जवाब शिशिर चतुर्वेदी देंगे कि ये देंगे? मैं दूंगी जवाब। चलिए मुझे एक बात बताइए। चलिए फिर पूनम जी, मत बुलाया कीजिए किसी ऐसे। बोलिए, आपको 30 सेकंड का टाइम, 1 मिनट 40 प्लीज। हसन अहमद साहब आपको 30 सेकंड का टाइम है, आप पूरी बात बोलिए अपनी। पूनम जी को बोलने दीजिए, बोलिए उनकी बात पूरी। मैं पूनम जी से इससे बात कर रहा हूं, बीच में नहीं बोलेंगे आप, प्लीज प्लीज शादी बना रखिए। मैं कहना चाह रही हूँ लव जिहाद, लव जिहाद बहन पूनम और भाई एक मिनट बुलाइए। पूनम आपको मैं मौका दूंगा, 30 सेकंड का टाइम हाजी हसन अहमद साहब को देते हैं, आप बताइए अपनी बात। देखिए हमारे भाई सलीम उर्फ राजवीर साहब जो इस वक्त राजवीर है, उन्हीं ने जो बताया कि इन वो लव जिहाद ही हुआ बहन पूनम के साथ, उन्होंने नहीं कहा। देखते रहिएगा इत्मीनान से। दूसरी बात इन्होंने कही कि हमारे घर वालों ने जो इतनी प्रताड़ना की मेरी पत्नी की, जिनका विरोध ये नहीं कर सके, ये बालिग थे, आकिल थे, कमाते थे, कजाते थे, दो बार पिस्टल लगाएगी विरोध करने पे। आप प्लीज, 30 सेकंड भी बोलने नहीं देंगे, ये आवाज को दबाने वाले लोग। नहीं नहीं, आप बोलिए। तो उसके बाद ऐसा लगा कि ये लव जिहाद ही हो रहा है, तो पहले इसका मतलब आप मानते हैं लव जिहाद हो रहा है? लव जिहाद होता है,
लफ याद होता है, आप मानते हैं? लगा रहे हैं नहीं, 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 आप मानते हैं हम तो करें से पूछिए कहां कहां होता है और जो जो जिम्मेदार है उसको अरेस्ट करवाइए। आप मानते हैं ना लफ याद होता है? नहीं बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा केस हम तो नहीं जानते। आप क्या बात करते हैं, हास्यास्पद स्थिति है। आप हास्यास्पद स्थिति, आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप हास्यास्पद स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं? आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, आप बोल रहे हैं कि हमको हमको पता ही नहीं लफ याद होता है, क्या बात करते हैं? बताइए, उदाहरण दीजिए, क्या बात करते हैं? कहां से फंड आता है? सलीम साहब के पास फंड कहां से आया बताए? सऊदी अरब से आया कि हिंदू महासभा ने दिया? पूनम, पूनम आप बताइए, पूनम आप बताइए, आपसे पूछते हैं, आपको सबसे कम मौका मिला है, आप बताइए लफ याद होता है कि नहीं होता है? और क्या ये आपको आशंका गहरा रही है, आपकी बिटिया बड़ी हो रही है, भगवान न करे, ईश्वर न करे, अल्लाह न करे कि उसके साथ खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो, तो क्या आपको लग रहा है कि ये वो भी लफ जिहाद का शिकार हो सकती है? देखिए लब जिहाद हो रहा है बिल्कुल, मेरे भी कई ऐसे कॉन्टैक्ट हैं कई लोगों के जो मेरे जानने में हैं जो लब जिहाद नाम छुपा के अपना किया, लेकिन सलीम ने कोई नाम नहीं छुपाया मुझसे, उन्होंने अपनी हकीकत बताई, अपना नाम बताया। हमारी शादी हम अपने तरीके से करना चाहते थे, लेकिन इनके घर वाले यानी इस्लामिक जो कट्टर इस्लामिक कहलाते हैं, इन लोगों में कट्टरपंथी और धर्मांध है ये लोग, कि नहीं आपको इस्लाम में आने के बाद ही इजाज़त मिलती है किसी की पत्नी। और जो कि इनके भाई वसीम अकरम सिद्दीकी ने कहा कि आप इस्लाम में जब तक नहीं आएंगे आपको ये मंजूरी नहीं कि हम उनकी पत्नी बनके रह सकते हैं। और जो ये बात कहते हैं ना, सोचिए कि इस्लाम कबूल नहीं होता जब तक आप गोमांस नहीं खाते, वो कहां से गोमांस लाए, कैसे लाए, ये वो जानते हैं, वो लोग जानते हैं, और उन्होंने ला के मुझे खिलाया नहीं, लेकिन हाजी हसन अहमद साहब तो इस बात खिलाने की कोशिश की होता है नहीं, ये असली की गोकशी होती है, वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। ये गलत, हमको कमरे में बंद कर दिया जाता था बिहार में ले जाके, और गो की तस्करी इस कदर, जबकि वो लोग बेसिकली बिहार से हैं और कैसे गोमांस खाते हैं, कैसे काटते हैं बिहार में, हमको कमरे में बंद करके। और जो ये कह रहे हैं ना कि इसको विरोध मेरे पति ने क्यों नहीं किया, इसका विरोध मेरे जो जेठ हैं वो माफिया डॉन प्रकृति के हैं, पिस्टल लगा देते थे मेरे ऊपर और कहते थे कि अगर तुम इस चीज को कहोगी तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। कितनी बार इस तरह की चीजों के लिए फोर्स किया गया? ये कम से कम हजारों बार हो चुका है। और मेरे साथ इतना ही नहीं, मुझे पिस्टल और मुझे बलात्कार की भी कोशिश की गई, मेरे ऊपर पिस्टल लगाया गया, और यहां तक कि मेरे पति को भी डराया धमकाया गया, उनको भी जान से मारने की धमकी दी गई। मैं तो अब ये बताइए, अब मेरा सवाल हाजी हसन अहमद साहब आपसे है, अगर कोई दो धर्मों के लोग एक दूसरे से शादी करते हैं, ये संवैधानिक रूप से भी है कि अगर छल प्रपंच न हो, अगर कोई प्रेशर न हो, तो दो धर्मों के लोग एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, 25 में इस चीज का उल्लेख है। मेरा कहना यह है कि अगर पूनम अगर सलीम के साथ निकाह करके आ रही हैं, तो क्या उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था? और क्या अगर ये हो रहा था तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अकेले सलीम की नाजायज औलाद होगी, अगर जो है निकाह नहीं रखोगे तो आगे की जो तुम्हारी औलाद होगी वो नाजायज कहलाएगी, वो तुम्हारे निकाह में ऐसी बातें की जाती हैं इनके धर्म में। देखिए इनके धर्म में नहीं, इनके घर में सलीम साहब के, सलीम साहब के घर की बात कीजिए आप। इनके घर में मतलब इस्लाम की दुहाई देते थे ना वो, कि हमारे इस्लाम में ऐसा, इस्लाम का ही नाम लेते थे, मुझसे बार बार लेते थे। हिंदू लड़की से संबंध बनाने पे आज यात्रा का सवाल मिलेगा ये कहा जाता था कि हम ये क्यों कहा जाता था बताइए, इसका कोई लॉजिक है? इसका क्या लॉजिक है? मतलब इसका लॉजिक तो हमारे शिशिर चतुर्वेदी जी, पूनम सिंह जी ने बताया। झगड़ा इनका पारिवारिक झगड़ा, इनके भाई उनके पिताजी इतनी गिरी हुई मानसिकता के हैं, जो अपनी पुत्रवधू अपनी बहू को बलात्कार की धमकी दे सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, हजार बार बिल्कुल, तो ये इनका पारिवारिक झगड़ा हो सकता है। चलिए चलिए एक बात बताइए, ये गिरी मानसिकता क्या है? सुनिए, एक तरफा प्यार में पागल होकर जो लड़की को गोली मार रहा है, जो लड़की पर तेजाब फेंक रहा है, जो अपना छद्म नाम छिपा के एक हिंदू लड़की को अपने झांसे में फंसा रहा है, वो कौन सी मानसिकता के हैं? वो कौन से लोग हैं? वो कौन सी दुनिया में रहते हैं? वो आखिर कौन लोग हैं? वो अपराधी हैं। वही अपराध हमारी इस बहन पूनम के साथ हुआ है और बार बार हुआ है, 14 साल तक इसने पड़ताड़ना सही। मैं कहूंगा कि सलीम साहब पुरुष नहीं नपुंसक है, जो इतने दिन तक एक अपना नारी अपना घर बार छोड़ के अपना धर्म छोड़ के आई थी। सलीम आप करिए क्षमा,
सलीम आपका रिएक्शन लेना चाहिए। ये हाथी का पेट से दर्द निकला, ये इनको दिक्कत ये है कि हिंदू बन गए, यही दिक्कत है। नहीं, जब ये मुस्लिम के तबके में बात कर रहा हूँ, जब ये मुस्लिम के पूरा देश देख रहा है, हसन का दर्द हो रहा है कि कैसे इनके पेट का दर्द बढ़ा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं पूरे समाज से एक सवाल पूछता हूँ। सुनिए, मैं पूरे समाज से एक सवाल पूछता हूँ, जिसमें हाजी हसन अहमद साहब आप भी हैं, और पूरे समाज से एक सवाल पूछता हूँ, क्या जिनके खिलाफ लव जिहाद होता है, क्या जिनके खिलाफ अत्याचार होता है, क्या जिनके खिलाफ इरादतन धर्म छिपा के शादी करके जबरन धर्म परिवर्तन का काम होता है, समाज पूरा मूक दर्शक है, क्या वो नपुंसक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं मूक दर्शक है। उस पूरे समाज में तो आप भी आते हैं, उसी समाज के नाते कम से कम 1000 चैनलों 1000 डिबेट में मैंने हर बार विरोध किया है कि अपराधियों को चौराहे पे सजा दीजिए, फास्ट कोर्ट में लेके आइए। लेकिन भाई ये क्या नहीं, ये बताइए, चर्चा ऐसे नहीं होती। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आतंकवादी का आतंकवाद फैलाना है वो क्या स्थिति आएगा, वही समाज ऐसी चर्चा, ये वैचारिक आतंकवादी शिशिर चतुर्वेदी को अगर आतंकवाद फैलाना है। हसन अहमद साहब सुनिए सलीम, हसन अहमद साहब, सलीम नहीं, आपका समाज नपुंसक है। अगर नपुंसक नहीं होता समाज तो इनको राजवीर बनने की जरूरत नहीं पड़ती। हसन अहमद साहब जवाब दीजिए इसका। आपकी मेंटेलिटी, आपकी मानसिकता, आपकी समझ कुछ भी सोच सकते नहीं, आपकी मानसिकता। मैं विरोध कर रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ अपनी बहन पूनम के साथ, मैं कह रहा हूँ 14 साल की प्रताड़ना, इतने बार बलात्कार का प्रयास, और ये मूक दर्शक FIR की इन्हीं ने कहां कंप्लेंट की, बिहार में कंप्लेंट की, लखनऊ में कंप्लेंट की, इनको अरे भाई साहब 100 गाड़ियां दिख रही है, सुनिए 50,000 स्क्वायर फुट का पार्क दिख रहा है हाजी हसन अहमद साहब, कानून पे विश्वास नहीं है। अगर उस वक्त ये आपसे हेल्प मांगने आते ना, तो कोई ना कोई मौलाना फतवा जारी करके इनको काफी करा देता, कोई ना कोई मौलाना फतवा जारी करके इनको काफी करा देता। नहीं, क्यों देता? आज भी ये भारत के नागरिक है, ये किसी धर्म में भी नहीं है, इनको संविधान में अधिकार दिया हुआ है। ये नपुंसक है हाजी हसन जैसे लोग जो सच को छुपाते, ये सलीम हैदर को नपुंसक बताते, जो राजवीर है सलीम हैदर नहीं, अब ये राजवीर है शिशिर जी कनेक्टर है, पहले इनके जैसे लोग भाई जाते हैं, इनका वैचारिक आतंकवाद दिखिए, शिशिर जी को हजार का बदला बना के लगवा। एक मिनट, वैचारिक नहीं, वैचारिक आतंकवाद किसको बोल रहे हैं? वैचारिक आतंकवाद किस चीज के लिए बोल रहे हैं? वैचारिक आतंकवाद है इनको, नहीं वैचारिक आतंकवाद तो आपका जो 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 फतवा जारी करते हैं। अभी 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 आज एक बात बताइए, गणेश की प्रतिमा स्थापित कर ली, उसके खिलाफ फतवा जारी, ये वैचारिक आतंकवाद नहीं होता? और क्या क्या होता है ये, क्या है ये फतवा, क्या होता है ये तो आप बताएंगे ना बेहतर, क्या होता है? कोई फतवा नहीं होता, वैचारिक आतंकवाद का संविधान याद हो रहा है, वो वैचारिक आतंकवाद नहीं है। फतवा नहीं होता, किसका फतवा, कैसा फतवा, कहां आप नहीं मानते फतवा? बिल्कुल नहीं मानता, आप नहीं मानते फतवा, आप नहीं मानते हैं, इन्हीं की विंगे हैं, आप नहीं मानते फतवा? बिल्कुल नहीं मानता मैं। वंदे मातरम बोलेंगे अभी मेरे सामने? अरे वंदे मातरम बोलेंगे अभी स्टूडियो में? उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की जनता के सामने वंदे मातरम बोलेंगे? बोलेंगे, बोलिए वंदे मातरम। कौन होते हैं आप हमें सर्टिफिकेट वाले? नहीं नहीं नहीं, तो आप कहिए ना, सर्टिफिकेट लेने वाले होते हैं? एक मिनट, उत्तर प्रदेश के इस भारत का एक राष्ट्रभक्त होने के नाते, सुनिए हजरत साहब, इस हिंदुस्तान का राष्ट्रभक्त होने के नाते मैं सर्टिफिकेट मांगने का हकदार हूँ, इसलिए कि आप भाग रहे हैं, आप भूखे हैं, आप भाग रहे हैं,
आप वंदे मातरम बोलिए, आप वंदे मातरम बोलिए, अगर राष्ट्रभक्त है, अगर राष्ट्रभक्त है तो वंदे मातरम बोलिए, मुर्दाबाद आप बोलिए, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, आप राष्ट्रभक्त है तो वंदे मातरम बोलिए, आप बोलिए ना, आप बोलिए, आप क्यों नहीं बोलते, इसका मतलब आप राष्ट्रभक्त नहीं है, आप नमक हिंदुस्तान का खाते हैं, आप नमक हिंदुस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान की खाते हैं, वो तो आप राष्ट्रभक्त नहीं है, दिख रहा है कि आप राष्ट्रभक्त नहीं है, राष्ट्रपिता के आप राष्ट्रभक्त नहीं, वंदे मातरम बोलने में दिक्कत नहीं, बोलने में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है आपको, इस्लाम खतरे में आ जाएगा आपको, क्या दिक्कत है, चलिए चलिए चलिए, हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, क्या दिक्कत है आपको, टॉपिक गायब हो जाएगी, वंदे हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, यही सच्चाई चली जाएगी, एक मिनट, अरे इनकी सदस्यता भी छोड़िए, इनकी सदस्यता भी छोड़िए, इनकी सदस्यता भी छोड़िए, वंदे मातरम बोलिए, एक मिनट, इनकी सदस्यता की बात छोड़िए, इनकी सदस्यता की बात छोड़िए, इनकी सदस्यता की बात छोड़िए, वंदे मातरम बोलने से आपका क्या नुकसान होगा, ये आप और आपकी कौम बेहतर जानती है, चलिए वाइंड अप करते हैं हम, सानिया पूनम 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 से आखिरी आखिरी सवाल, आखिरी सवाल पूनम पूनम और राजवीर से, पूनम और राजवीर आप लोग क्या चाहते हैं, पूनम और राजवीर आप लोग क्या चाहते हैं, आखिरी सवाल वक्त की बहुत कमी है, पूनम पूनम और राजवीर आप लोग क्या चाहते हैं, हम लोग वे सनातन धर्म में शांति से जीना चाहते हैं, जो अभी भी हमें जीने नहीं दिया जा रहा है, क्या हो रहा है आपके साथ बताइए, अभी भी बहुत कम टाइम है, आप बताइए, अभी भी जो है हमें इनडायरेक्टली बहुत धमकियां मिल रही हैं, अभी भी हमें कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इस पर रोक लग जाए, सलीम आप बताइए, और दूसरी बात ये है कि ये लोग जो यहाँ आने के बाद जो पावरफुल बन जाते हैं, पैसा कमाते हैं, उसके बाद इतनी सारी दौलत, और जो कि मेरे जेठ, उसकी धमकी लगातार देते रहना, और जबरदस्ती ये इस्लाम 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 जो धर्म बना रखा है कि नहीं मुझे इस्लाम में ही रहना है, इस्लाम ये कोई बात नहीं होती, अगर मुझे हिंदू धर्म या राजवीर को या सलीम को अगर हमारा हमारा धर्म पसंद है, अगर वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, तो इसमें इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, ये लोग क्यों भड़क रहे हैं, इनको क्यों बुरा लग रहा है, इनको इन्हें क्यों, ये हमें क्यों मारना चाहते हैं, ये हमें क्यों मारना चाहते हैं, मेरे घर को तकलीफ है, मेरे समाज को तकलीफ है कि मुझे रिवॉल्वर दिखा दिया जा रहा है, कह जा रहा है कि मैं आप तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी बीबी आपने को पुलिस कंप्लेंट की, जी मैंने पुलिस कंप्लेंट की एफआईआर की 27 को, लेकिन कोई एक्शन नहीं है, मेरे जैसे इंसान के साथ नहीं हो रहा है, तो जो इतने मेरे पीछे लोग होंगे या जो भी होंगे वो कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे, और इसमें मैं अभी बहुत बड़ी बात कहूंगी, क्योंकि अभी इसमें एक ऐसी चीज है जो कि मेरे जेठ मंत्रियों का नाम इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर मंत्री नंबर लिया हुआ है, जिसमें उस बात का जिक्र हम नहीं करेंगे, वो एक अलग पॉलिटिकल इशू है, लेकिन आप बताइए कि आप चाहती क्या हैं, इसलिए कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आपको देख रही है, पुलिस प्रशासन देख रहा है, हम चाहते हैं कि मेरे जैसी लड़कियां वो किसी भी मुस्लिम ना, सलीम तो एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे उदाहरण है हमारे लिए, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा बुराई हो रही है, लफ्ज़ जिहाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और अपने धर्म में रहो, सेफ रहोगी, इज्जत है, सम्मान है, लेकिन वहाँ कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं। सलीम आखिरी रिएक्शन आपसे। बस सर हम चाह रहे हैं कि रक्षा किया जाए हम लोग की, मेरा तो पूरा काम धाम इस समय बंद हो गया, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ कि कौन सी गोली मेरे लिए लिखी हुई है, तो मेरी कम से कम मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी और बेटी तो सुरक्षित रहेगी, मैं यही चाहता हूँ कि सुरक्षा की जाए, आज 10 दिन हो गया है, अपराधी को मौका दे दिया पुलिस ने, भाग चुका है यहाँ से, और हमसे पूछ रही है पुलिस कि उसकी फोटो भेजो और उसका एड्रेस बताओ, हम जाके उठा लें, बताइए ये चल रहा है यहाँ पे, मतलब मैं कैसे सुरक्षित रहूँगा, ऐसा ना हो कि मुझे लगने लगे कि क्या हो रहा है, आप समझिए, तो मैं आपके थ्रू ये गुजारिश करूंगा, उनके नंबर पे दिख रहा है, मिनिस्टर का नाम दिख रहा है, उनकी कंपनी का फर्म दिख रहा है, सोचिए इस तरह से अपराधी यूज कर रहा है पूरे सरकारी तंत्र को, और सरकार कुछ नहीं कर रही है, कहाँ है वो, कहाँ गया है कुछ पता उसे नहीं भागने का। चलिए हम अपने चैनल के जरिए और इस प्लेटफॉर्म के जरिए गुजारिश करेंगे कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इस शो को देख रहे होंगे, कम से कम इनकी सुरक्षा को इंश्योर किया जाए, ताकि भविष्य में इनके साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, पूनम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, राजवीर जी और हाजी हसन अहमद साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शिशिर चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हसन साहब एक सवाल हमेशा निरुत्तरित रहेगा कि जब जब वंदे मातरम नहीं बोला जाएगा तब तब आपकी कौम पे सवाल उठेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।